और इसी तरह जो है शरीयत का हुक्म बताकर इस्लाह करें, शरीयत का हुक्म बताकर भी इस्लाह। ये जो है सही तिर्मिजी की रिवायत है, हदीस नंबर 2796। एक साबी की जो है बैठे हुए थे और उनकी जो है जो उनकी लुंगी या जो भी इजार था वो जांघ से ऊपर खिसका हुआ था, यानी घुटने से ऊपर था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि देखो ये छुपाने की चीज़ है, इसको छुपाओ, छुपाने की चीज़ है, ओरा है, ओरा है नहीं कि औरत है, इसको छुपाओ, ये छुपाने की चीज़ है। तो उनसे कहा तो उनको बताया कि भाई ये छुपाने हुक्म बताया कि शरीयत का हुक्म ये, इसको छुपाने की चीज़, इसको छुपा कर रखो, तुरंत ढक लिया। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु एक बार भेजा खजूर के दो टोकरे लेकर के जाओ इनको बाजार में बेच कर आओ। तो गए और जाकर वो क्या हुआ, एक खजूर का टोकरा लिया है, तो उन्होंने देखा यार उमदा खजूर लेके आ जाए, वो तो ख़राब खजूर थी। तो कहा कि वो दोनों देकर आ गया और उसके बदले पे लिया आया। बोले नहीं ये सूद है, ये सूद है, जाओ और उसको बेचो और उसके बाद में फिर खरीद कर लो, ऐसा सदा मत करो। तो ये इस्लाह की वहाँ पर के हुक्म बताकर शरीयत का, गलत फहमी की वजह जानकर इस्लाह करें, ये भी ये अल्लाह के रसूल सल्लम से हमको मिलता है, गलत फहमी की वजह जाने। सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 5063। आयशा रज़ी अल्लाह ताला के पास में तीन साहबी आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी कैसी है, तो उन्होंने बताया कि रात के मामलात क्या है, तहज्जुद पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें उनको बताई। तो फिर उन्होंने कहा रही तो अल्लाह के रसूल सल्लम और इतनी इबादत करते हैं तो हमको तो और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, फिर हमको और करना चाहिए, हम तो कम कर रहे हैं, जबकि इनके लिए तो अच्छा आला मकाम है। तो उनने एक ने कहा कि मैं अब हमेशा रोज़े ही रखूँगा, बगैर रोज़े के रहूँगा ही। एक ने कहा अब मैं निकाह ही नहीं करूँगा ताकि के झंझट ही नहीं आए, नहीं तो बीवी और बच्चे और सबके तमाम के हुकूक देना, अब सिर्फ इबादत, मैं तो निकाह ही नहीं करूँगा। और एक ने कहा मैं अब रात की नमाज ही पढ़ा करूँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लम को जब मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे तीन आए थे, मैंने कहा तो इस तरह के चले गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लम वहाँ पर गए और जाकर जो है उस उनसे कहा, आवाज़ लगाई और खड़े हुए जाकर, और उसको ऐसा नहीं कि टारगेट करके किया कि इन्होंने बात कही ना तो चलो तुम्हें तुमने ये कहा क्या, नहीं, सबको इकट्ठा करके उमूमी बात की, वो सबको इकट्ठा करके फरमाया कि वो फला फला लोग कौन है जो कह रहे कि हम रोज़ा ही रखेंगे। तो अल्लाह तुमने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला हूँ, सबसे पहले मैं मुस्लिम हूँ, कुरान में भी फरमाया अल्लाह के ताल्लुक से, तो मैं ये करने वाला हूँ, तो मैं रोज़े रखता हूँ और मैं इफ्तार भी करता हूँ, मैंने निकाह भी किए हैं, और मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं सोता भी हूँ, और अगर कोई इस सुन्नत से इराज करे तो वह हम में से नहीं, यानी बता दिया। अब यहाँ पर एक हमारा मामला ऐसा होता है कि नहीं, गलती हुई कैसे, तुमने ऐसा किया तो क्यों किया, या वो कह के गए थे ना अल्लाह के रसूल को इस्लाह की इस तरीके से, हमारा मामला होता नहीं शिर्क करा तो कैसे करा, ये फला कैसे हो गया, ये कर गया, और उसको समझ ही नहीं। और कोई भी आदमी अगर कोई चीज़ करता है दीन के अंदर, कर रहा है शिर्क कर रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है, जानबूझ के तो नहीं करता, उसको मालूम हो गया शिर्क है और फिर भी करेगा, कोई ऐसा है कि उसको मालूम है शिर्क है और फिर भी कह मैं तो करूँगा, भाई उसको इल्मी गलती है उसकी, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हमको समझाने की ज़रूरत है। तो अब कोई भी आदमी, वो साहब ने क्यों किया था ये काम, क्यों रोज़े रखने की कहा उन्होंने, क्यों निकाह नहीं करूँगा, क्यों उन्होंने कहा कि रात की नमाज ही पढ़ता रहूँगा, क्यों कहा, ज़्यादा सवाब कमाने के लिए। तो यहाँ भी अगर कोई आदमी कुछ काम करता है, मुसलमान ही है, वो कुछ अगर काम करता है इजाफी, नमाज भी पढ़ रहा है उसके अलावा, फिर वो एक्स्ट्रा काम तो क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कहीं खाने खिला रहा है, कहीं जो कुछ जा रहा है वहाँ पर वो कव्वालियाँ हो रही है, उड़स हो रहा है, जो भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो सवाब कमाने के लिए कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा सवाब भी कमाओ इसलिए करता है, उसको मालूम है तो गलत है, इससे जन्नत में चला जाएगा, फिर थोड़ी करेगा वो, तो इसलिए कर रहा है कि ज़्यादा सवाब कमाने के लिए। तो हमको उसको बताना पड़ेगा भाई कि देखो भाई तूने अमल किया है ये फला फला इस तरह से गलत है, उसकी इस्लाह वैसे की जाएगी, उसको समझाना पड़ेगा, ये नहीं कि बस सीधा जाकर फतावा शुरू कर दे, तो इस तरह से समझाना पड़ेगा।